हेलो एवरीवन, रियलमी बड्स एयर 3 न्यू लेटेस्ट लॉन्च इज देयर। फ्रंट से बॉक्स ऐसा लगता है, राइट साइड में रियलमी का लोगो जिसके साथ में 10 मिनट में 120 मिनट चार्ज, गेम मोड, ब्लूटूथ 5.2। और इसकी लेफ्ट साइड की तरफ अगर देखें तो रियलमी के साथ साथ 30 घंटे का टॉक टाइम और 10 mm के ड्राइवर्स और एक्सेट्रा डिटेल्स हैं। ये कुछ पीछे एडिशनल इंफॉर्मेशन, सामने की तरफ से दोबारा से देख लीजिए। डॉल्बी एटमॉस मेंशन है इसमें, तो बॉक्स खोल के देख लेते हैं। ये मैंने टेप हटा दिया और मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालने पर ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ दिखता है। बॉक्स को मैं साइड में रख देता हूँ और कुछ एडिशनल चीज़ें भी इसमें हैं, जैसे कि कुछ एक यूज़र मैनुअल है। इस यूज़र मैनुअल के थ्रू आप कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है। आइए इसको दोबारा से देखते हैं। उससे पहले एक बार ये चार्जिंग केबल देख लेते हैं। क्वालिटी अच्छी है मगर बहुत छोटी है। तो इतनी छोटी केबल है, इसको अलग से कैरी कौन करे? अगर आपके पास सेम टाइप सी का एक वायर है जिससे आप फ़ोन चार्ज करते हैं तो उसी से ये भी चार्ज हो जाएगा। और हाँ, इसके साथ ये ईयर टिप्स भी मिलते हैं, इनकी क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है। तो आइए एक बार इन ईयरबड्स को देख लेते हैं। इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। हाथ में इसे पकड़ने पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम किस्म की है, स्ट्रांग लग रहा है मुझे ये। और प्लास्टिक कोई चीप नहीं यूज़ की गई है। जो इसकी लिड की क्वालिटी है वो भी बहुत स्ट्रांग है, बट प्रीमियम नहीं है। अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो प्रीमियम को आपको फील आएगा, मगर जो लिड है वो एक थोड़ा चीप किस्म की दे रही है, जो फील दे रही है। बाकी ये भी प्लास्टिक के हैं ये ईयरबड जो हैं। मैग्नेट काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांग है, बाहर आसानी से नहीं ऐसे गिरेंगे। ये दोनों को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं। बाहर की तरफ से एक सिल्वर मैश है और अच्छी तरीके से इसमें ये वापस फिक्स भी हो जाते हैं।